घटना काफी शर्मसार कर देने वाली है, जहां जमीन विवाद के मामले में SBI बैंक मैनेजर और उसके रिश्तेदारों ने दलित महिला के साथ मारपीट की। दलित महिला से मारपीट के साथ ही उसकी 11 साल की बेटी के कपड़े भी फाड़ दिए। घटना पूर्वी गोदावरी जिले के दलितपत गांव की है। महिला और उसकी बेटी को पेड़ से बांधा गया। बताया जा रहा है कि महिला से मारपीट करने वाला SBI का मैनेजर उसका पड़ोसी भी है। पड़ोसी विशाखा पट्टनम के SBI ब्रांच का बैंक मैनेजर है। महिला के 7 साल के बेटे ने पूरी घटना को मोबाइल में सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला का पति बीमार है और बिस्तर पर पड़े होने की वजह से वह बचाव के लिए नहीं पहुंच सका। पुलिस के अनुसार महिला और बैंक मैनेजर के बीच किसी जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को गांव के एक सरकारी नल से पानी लेने जब पीड़ित महिला वहां पहुंची तो उसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। बैंक मैनेजर राजू और उसके रिश्तेदारों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए और आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। इस सारी घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जब महिला की नाबालिग बेटी उसे बचाने दौड़ी तो आरोपियों ने उसके भी कपड़े फाड़ दिए, साथ ही 11 साल की मासूम बच्ची के कपड़े फाड़ उसके साथ भी बदसलूकी की गई। यह घटना इंसानियत को काफी हद तक शर्मसार करती है। आरोपियों ने अपनी सारी हदों को पार करते हुए दोनों माँ और बेटी को पेड़ से बांध दिया था, जिसके बाद कुछ आस पड़ोस के लोगों के बीच बचाव करने के बाद वहां से महिला को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने कहा कि महिला के सिर और पैर पर लोहे की रॉड से कई बार हमला किया गया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।